सब गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो गाइस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग, और वहाँ का कैसा वेदर है वो दिखाऊंगा। और यहाँ इसको देखिए, बेचारा ठंड लग रहा है कोमल को। तो अभी जो है हम लोग आए हैं सुनादा के यहाँ पे, और यहाँ जो है कोमल देखें वहाँ पे खड़ी है, फिलअप कर रही है टैंकी। तो ठीक है, अभी जो है हम लोग पहुँचने वाले हैं दार्जिलिंग। तो दोस्तों फिलहाल जो है हम लोग आ गए यहाँ घूम के, यहाँ पे देखिए ऐसा है हाल। पता नहीं दार्जिलिंग में कैसा होगा वेदर। अब कमल वहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे ऐसा है देखिए वेदर घूम का। दोस्तों फाइनली जो है हम लोग आ गए दार्जिलिंग। अभी जो है हम लोग है यहाँ दार्जिलिंग स्टेशन के, यहाँ पे देखिए ये रहा स्टेशन टॉय ट्रेन का, ऐसा है नज़ारा और वेदर ऐसा है। देखिए यहाँ से दार्जिलिंग शहर को, ये रहा देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दार्जिलिंग स्टेशन से। कोमल वहाँ पे खड़ी है, तो कैसा लग रहा है बताना जरूर। तो दोस्तों फाइनली जो है हम लोग आ गए दार्जिलिंग स्टैंड के यहाँ पे, और कुछ नज़ारा ऐसा है देखिए दार्जिलिंग स्टैंड का, है ना। और हमारा स्कूटी जो है रखने का भी जगह नहीं है, तो इसलिए जो है हम लोग वेटिंग कर रहे हैं कोई स्कूटी या बाइक निकलेगा तो रखेंगे। और ये जो रास्ता जो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग को रख नहीं सकते हो, रखने नहीं देता है। तो अभी पूरा देखिए पूरा भरा हुआ है, रखने का कहीं जगह है ही नहीं। तो ठीक है, अभी स्कूटी स्टैंड करने के बाद ही, यहाँ रखने के बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो ऐसा है कि हम लोगों को जो है वो स्टैंड के वहाँ पे मिला नहीं स्कूटी रखने का जगह, तो हम लोग जो यहाँ पे रखे वो पीछे आपका जापानीज टेम्पल जाने वाला जो रास्ता है वहाँ। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं आपका चौरास्ता, और यहाँ का देखे वेदर ऐसा है, सीन सीनरी ऐसा है, नज़ारा है ना। और गुम और क्या बोल रहा है रंगबुल और सुनादा का वहाँ जो है काफ़ी लगा हुआ था, लेकिन देखिए ऐसा है वेदर अपडेट, तो आप लोग जो आ सकते हो। तो ये है चौरास्ता जाने का रास्ता इधर से, है ना। तो दोस्तों फाइनली जो है हम लोग चौरास्ता के यहाँ पे पहुँच ही गए, और वो इधर है। ऐसा है नज़ारा देखिए। तो आप लोग जो है इस मंथ में आ सकते हो, अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक और अक्टूबर के लास्ट में, ऐसा है देखिए वेदर अक्टूबर और नवंबर का।
ये कुछ ही दिन पहले आए थे यहाँ पे, जो वीडियो किए थे छोटा सा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा नज़ारा बताना जरूर, है ना। ऐसा है नज़ारा, और ये भी ये है शाम का नज़ारा, देखिए हमारे पीछे, गौर कीजिए हमारे पीछे, देखिए ऐसा है कुछ नज़ारा, देखिए शाम का नज़ारा। कुछ ऐसा है दोस्तों, तो बताना जरूर कि कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो और अपडेट हमारा दार्जिलिंग वेदर का। ये है अक्टूबर और नवंबर का वेदर अपडेट। तो दोस्तों ऐसा कि अभी जो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि शाम होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए कोमल को ठंडी पड़ने वाला है। यस यस यस, तो ठीक है अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग क्लब टावर के यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे और देखिए फिर से नज़ारा वैसा है दोस्तों, नज़ारा देखिए क्लब टावर का, क्लब टावर का वैसा है वेदर। कोमल जो है यहाँ पे बैठी है, देखिए अकेले हमको वीडियो करने के लिए जो है थोड़ा वक्त दिए, है ना। ऐसा है नज़ारा यार। तो फाइनली जो है हम लोग वो क्लब टावर के वहाँ से आ गए और फिर से घूम फिर के जो है हम लोग यहाँ पे आए दार्जिलिंग स्टेशन के यहाँ पे, और अभी देखिए शाम होने वाला है, तो कुछ नज़ारा ऐसा है हमारे दार्जिलिंग स्टेशन का, देखिए ऐसा है वेदर, लेकिन रॉकी में अच्छा है, तो आप लोग जो है आ सकते हो यहाँ पे इस मंथ में या नवंबर में भी आ सकते हो, देखिए। तो यहाँ का नज़ारा कैसे लगा तो बताना जरूर। तो अभी काफ़ी जो है शाम हो चुका है, रात भी होने वाला है, तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलने वाले हैं क्योंकि करसेंग जाते जाते जो है हम लोग का
लेट हो जाएगा। तो बताना जरूर कि हमारा ये वीडियो कैसे लगा और यहाँ का नज़ारा कैसे लगा। तो ठीक है, आप लोग के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।